हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन PYQ सीरीज़ का हम लोग सीरीज़ चला रहे थे। ठीक है, अगर अब तक आप नहीं देखे हैं सीरीज़ तो आप जाके उसको देखें। इससे पहले 33 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। PYQ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, जो कि मैथ का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। देखिए, दो डाइस लिया गया। ठीक है, क्या लिया है, दो डाइस लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आए और इसको भी हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस पे मान लीजिए वाई आता है। इन दोनों का आपस में जब ऊपर जो भी आ रहा है उनका जब मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स इंटू वाई किया जाए, तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लेते हैं, जिसको हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग लेंगे टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल्स आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या पॉसिबल आउटकम्स मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, अगर दो डाइस को फेंका जाएगा, ठीक है, एक साथ, एक 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 दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः, मतलब टोटल अगर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 36 बोलते हैं। अब वो बोला है कि ऐसा नंबर लेना है जो कि अगर आया तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए, 6 हो जाता है। देखिए, ये एक हो सकता है, 3 2 6, 2 और 3 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा, और 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास सिर्फ 4 ही मिलेंगे, और अगर आप सोच लीजिए तो कोई मिलता है तो हमको बताइए, लेकिन ऐसा सिर्फ हमको 4 ही मिलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो x और y इक्वल टू 6 आने चाहिए। कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ, 3 और 2 हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, 2 और 3 हो जाएंगे, उसके बाद 6 और 1 हो जाएंगे, 1 और 6 हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई है। ठीक है, यही 4 होंगे जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आएंगे, 6 आने चाहिए, आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं। अगर पी ए माने हम लोग तो पी ए ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी नीचे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसको काटेंगे तो 4 1 4 4 9 36, तो 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने दिखाया, अगर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम देखते हैं, अगर डाइस का है तो 2 बार फेंका गया तो 6 स्क्वायर कर देंगे, 3 बार फेंका गया तो 6 क्यूब कर देंगे, तो 2 बार फेंका गया तो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर 3 बार फेंका जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ये तो बहुत हार्ड हो जाता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2 बार ही पूछने वाला पूछता है, या तो 1 बार पूछने वाला। ठीक है, तो इससे आपको एक या 2 नंबर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, जाकर उसको देखिए, फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी मेहनत को लाइक करें। थैंक यू सो मच।